हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग एंड डिसीजन। माय नेम इज अमन सोनी एंड आई बेसिकली फ्रॉम पंजाब। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ये साइंस के ऊपर। ये टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो है ये साइंस के ऊपर, बट इस वीडियो का मोटिव है जो बनाने का वो ये है कि मैंने काफ़ी सारे सलून में देखा है कि काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट 3-4 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बट उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से किसी प्रोफेशनल अकेडमी में अपना कोर्स नहीं किया, उसी सलून में ही सीखा उन्होंने, उसी सलून में वो जॉब कर रहे हैं। बट मैं ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव उनको ट्रेन करना है ताकि वो ये वीडियो देख के ये साइंस को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो साइंस का जो टॉपिक है उसको समझने के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होगा और क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन करने का भी कॉन्फिडेंस में लेवल अप होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे न्यू है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हेयर साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक चीज समझेंगे, व्हाट इज हेयर। हेयर होता क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी पे हेयर है उसका वर्क क्या है। भगवान ने हमारी बॉडी पे हेयर बनाया तो उसका वर्क भी तो कोई होना चाहिए ना। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे इसका वर्क क्या है, व्हाट इज हेयर। हेयर जो हमें मिलता है केराटिन से, केराटिन जो कि एक है प्रोटीन, डेड प्रोटीन, ठीक है। और जो डेड प्रोटीन है वो कहाँ से मिलता है हमें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर से। सल्फर जो कहाँ से मिलता है हमें, कमिंग फ्रॉम अमीनो एसिड सिस्टीन से। मतलब जो एक हेयर है वो हमें डेड प्रोटीन से मिलता है। हमारे पूरी बॉडी पे होते हैं एक्सेप्ट सो दो फीट और पाम ऑफ हैंड एंड आईलिड्स, और लिप्स को छोड़ के हमारे पूरी बॉडी पे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। बात करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन के बारे में, जो हमारी बॉडी पे पूरे में हेयर है ये क्या वर्क, इनका वर्क क्या है। इनका वर्क है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मान लो हम सो रहे हैं और हमें किसी ने टच किया, टच करने से पहले जो ये हेयर है उनको टच करते हैं तो हमें फील हो जाता है कि कोई हमें टच करने वाला है, या हमें फील हो जाता है कोई कीड़ा वगैरह हमें काटने वाला है। तो हमारे ये हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो स्कैल्प के हेयर है वो जो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हार्मफुल रेज है, उनसे हमारे जो हेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन भी हमें बताते हैं, हमारे हेयर से हमें पता चल जाता है कि जेंडर और मेल का हमें डिफरेंस पता चलता है हमारे हेयर की वजह से। थर्ड मेन फंक्शन है हेयर का, वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब जो हमारा नोज है उसमें जो हेयर है उसका भी एक वर्क है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको, मतलब उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको वो हमारे जो नोज के हेयर है वो फिल्टर करके हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। जो हमारे आईलैशेस हैं, जो हमारे आईज वाले हेयर हैं, वो हमें हमारे आईज की प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। मान लो अगर हम आईज क्लोज करते हैं तो कोई हमें ऐसे टच भी करता है तो हमारे आईज वाले हेयर हमें बता देते हैं, सिग्निफाई कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कोई हमें टच करने वाला है। तो उसके लिए हमें जो हमारे नोज के हेयर हैं वो भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो हमारे आईज के आईलैशेस हैं वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे हेयर का फंक्शन है वो है फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, जैसे मान लो कोई हमसे गुस्सा होता है या हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हमारे जो आईब्रोज के हेयर हैं वो हम थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं और जब हम खुश होते हैं तो हमें कुछ इस तरह का करते हैं, नॉर्मल हमारे आईलैशेस रहती हैं। तो ये भी काफी फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे हेयर से पता चलता है अगले पर्सन को कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। पॉइंट है वो है अट्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं अट्रैक्शन कैसे। अगर मान लो हम किसी पर्सन से, न्यू पर्सन से एक बार मिलते हैं तो हम कई बार उसके हेयर स्टाइल की वजह से या उसके हेयर की क्वालिटी की वजह से या उसके हेयर की कलर की वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अट्रैक्शन भी एक मेन फंक्शन है हेयर का। तो हमने बात की ह्यूमन हेयर के फंक्शन के बारे में, बट अब हम बात करते हैं एनिमल्स के हेयर के फंक्शन के बारे में। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं पोर्क्यूपाइन की। पोर्क्यूपाइन के जो हेयर है वो हार्ड केराटिन से बने हुए हैं, जैसे कि अपने नेल्स, जो नेल्स हैं वो भी हार्ड केराटिन से बने हुए हैं। और जो हमारे हेयर हैं ह्यूमन हेयर वो सॉफ्ट केराटिन, मींस हम कह सकते हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हैं। बट जो हार्ड केराटिन से जो नेल बने हैं, जो पोर्क्यूपाइन के जो हेयर हैं वो उसको हार्ड केराटिन से बने हुए हैं और उसको वो डिफेंस में हेल्प करते हैं। मींस जैसे कोई भी एनिमल्स उस पर अटैक करता है तो अपने हेयर से अपने आप को डिफेंस करता है, अपने आप की रक्षा करता है। तो इसका एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो एनिमल्स के हेयर है वो अपना डिफेंस भी अपने हेयर से कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है फंक्शन का एनिमल के हेयर का वो है कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज का मतलब ये है जैसे कि अपना, जैसे अपने हेयर है वो हम अपने आसपास
के जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आपको वैसे ही ढाल ले, मतलब जैसे एक आप छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं, गिरगिट, गिरगिट जो है वो अपने आसपास के एरिया की तरफ ही अपने अपनी जो बॉडी है उसको ढाल लेता है, तो उसको जैसे अटैक करने में या किसी का शिकार करने में उसको हेल्प मिलती है। तो जो एनिमल का हेयर का फंक्शन है वो सेकंड है कैमोफ्लेज, जिससे उसको शिकार करने में हेल्प मिलती है। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, जैसे हमारे हेड के हेयर हैं, आईब्रोज के हेयर हैं, सॉरी आईलैशेस के हेयर हैं, बॉडी के हेयर हैं, एनिमल्स के हेयर हैं, फर होती हैं, सभी के पीछे एक लॉजिक होता है, तो ही ये चीज होती है। तो इसी चीज के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा और हमें काम करने में इजी होगा और हमें हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो जागेगी इस चीज को लेके, और हम सभी पर्सन एजुकेट बेसिक से समझेंगे। कोई हम वो प्रॉपर इंग्लिश का यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मली समझेंगे जिस तरह से आपको प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है। तो हमने हेयर के बारे में पढ़ा, हेयर के फंक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम इसके जो मेनली दो पार्ट होते हैं, हेयर रूट जो उसका स्ट्रक्चर होता है, हेयर रूट और हेयर शाफ्ट। जो हेयर रूट है वो हमारी स्किन के अंदर वाला हिस्सा होता है, जो हेयर शाफ्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होता है हेयर के बाहर वाला हिस्सा। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, हेयर स्ट्रक्चर में जो दो मेन पार्ट है, हेयर रूट और हेयर शाफ्ट। अब जो हेयर स्टाइलिस्ट है इनको मोस्टली हेयर शाफ्ट और हेयर रूट दोनों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्लाइंट भी काफी अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर शाफ्ट, जिसमें हम मोस्टली सबसे ज्यादा हमारा वर्क होता है हेयर शाफ्ट पे। तो सबसे पहले हेयर शाफ्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हेयर शाफ्ट है उसको, हेयर शाफ्ट है उसको पहले ही डेड मैटर कंसीडर किया गया है, मतलब इसको डेड मैटर ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं होती, हम इसको कट करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, तो उसमें कोई हमें पेन वगैरह नहीं होता, बट जो हमारे स्किन के अंदर वाला हिस्सा हम उसको पुल करते हैं तो हमें पेन होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो स्किन के अंदर वाला है वो लाइव है और जो हमारा हेयर है वो डेड मैटर कंसीडर किया गया है। हेयर शाफ्ट के मोस्टली तीन लेयर्स होते हैं, सबसे पहला जो सबसे इंटरनल लेयर होता है मेडुला, ठीक है, और जो सेकंड लेयर होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और जो थर्ड होता है वो होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो क्यूटिकल है वो हेयर को ओवरलैप करके पूरे हेयर को कवर करता है, ठीक है। अगर क्यूटिकल खुला हुआ है तो हमारा हेयर डैमेज फील होगा, अगर क्यूटिकल पूरा सील है तो वो हेल्थी फील होगा, मतलब वो अगर वो पूरा सील हुआ तो वो मोशन को उसने लॉक किया हुआ है और वो हेल्थी है, अगर वो खुला हुआ है तो वो अनहेल्थी फील होगा हमें, क्योंकि वो डैमेज और पोरस हो चुका होगा, जो कि हम हीट और केमिकल वगैरह यूज करते हैं उसकी वजह से। बात करते हैं हेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल के बारे में। तो जो हम डेली रूटीन में जो हम अपनी लाइफ में शैम्पू, कंडीशनर, वैक्स, मास्क, स्प्रे एक्सेट्रा वगैरह यूज करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे हेयर में क्यूटिकल जो लेयर है उसमें इफेक्ट पड़ता है। जो एक केमिकल वगैरह जो हम यूज करते हैं ये सबसे पहले क्यूटिकल में जाते हैं, मतलब क्यूटिकल इनको फेस करती है सबसे पहले, ठीक है। तो क्यूटिकल को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो आगे लेयर्स हैं जो ये ओवरलैप होती हैं उनकी लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली इसमें 8 से 11 लेयर होती हैं क्यूटिकल में, 8 से 11 लेयर बनती हैं, जो एक हेयर है उसमें एक हेयर की 8 से 11 लेयर बनती हैं जो कि ओवरलैप होती हैं एक हेयर के थ्रेड में, ठीक है। और जो इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है, जो एक लेयर होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं कि क्यूटिकल की 4 लेयर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिक्यूटिकल के बारे में। जो एपिक्यूटिकल है वो हेयर की आउटर मोस्ट, मतलब जो थिन मटेरियल है हेयर का, वो सरफेस को कवर करता है, और इसमें फंक्शन है वो हेयर को रेसिस्ट करती है, ठीक है, और केमिकल अटैक से हेयर को प्रिवेंट करती है। और जो सेकंड लेयर है वो है लेयर ए, जो कि एपिक्यूटिकल के बिल्कुल नीचे होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एपिक्यूटिकल के बिल्कुल नीचे होती है वो होती है लेयर ए। इसमें 35% सिस्टीन होता है, जिसकी वजह से जो हमारी क्यूटिकल है वो हमें हार्ड सी फील होती है। सिस्टीन की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से यह लेयर जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे हेयर को केमिकल और फिजिकल अटैक से हेल्प करती है। हमारे बात करेंगे हेयर की जो क्यूटिकल की थर्ड लेयर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्यूटिकल, जो कि लेयर ए के बिल्कुल नीचे होती है। इसमें सिस्टीन की जो परसेंटेज होती है वो 15% होती है। इसका कोई खास वर्क नहीं है, बस इसका भी यही वर्क है कि हेयर को टफनेस, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसको
मजबूत बनाती है। बात करते हैं सबसे लास्ट लेयर जो है फोर्थ नंबर पे एंडोक्यूबिकल। ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप हेयर को वेट करते हो तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? ये सॉफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये वर्क करते हैं हेयर की क्यूबिकल की फोर्थ लेयर पे, जिसको बोलते हैं एंडोक्यूबिकल। इसमें लो ग्रेड ऑफ सिस्टीन है, इसमें सिस्टीन होता है सिर्फ 5%, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये पानी की अट्रैक्ट, ये पानी से काफी अट्रैक्ट होती है, पानी कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये सरल हो जाती है, मतलब पानी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये पहली सॉफ्ट होती है। और भी कहते हैं कि पानी लगने से हेयर की जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाती है, मतलब अगर वो सॉफ्ट है पहले तो ऊपर से हमने पानी डाल दिया हेयर में तो वो क्या होगी, पहली सॉफ्ट है स्वेल हो जाएगी, मतलब क्यूटिकल ओपन हो जाएगी, जिससे हमारा हेयर डैमेज फील होगा। ठीक है, तो अगर तो स्वेल होगी तो हमारा हेयर डैमेज फील होगा। अगर वैसे ही हम हेयर वेट हेयर पे कॉम करें तो फिर वो डैमेज हेयर क्यूटिकल पहले ही ओपन है, अगर कॉम करेंगे तो क्या होगा, हेयर ब्रेकेज होने के चांसेस गेन होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि वेट हेयर पे कॉम करना नहीं चाहिए, वेट हेयर पे कॉम करना अवॉइड करना चाहिए। हर एक चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है, इसलिए कोई चीज बोलते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा कंसल्टेशन किया करो भाई, वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हो, आपके सुनने में मिस्टेक है, या मतलब थोड़ा डीपली समझा करो किसी चीज को, कि हर एक चीज के पीछे कोई लॉजिक जरूर होता है। कहते हैं CMC के बारे में, CMC जिसकी फुल फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है हर एक क्यूटिकल सेल के बीच में होता है, और ये हेयर को टफनेस प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं और मॉइस्चर कंटेंट इनमें काफी होता है। मेन होता है वो होता है 18-methyl-icosanoic, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो 18-MEA। इसमें मेन होते हैं, ये क्या होते हैं, लिपिड होता है सारा इसमें। ये इनका फंक्शन, इनका वर्क क्या है, ये क्यूटिकल की लेयर्स को आपस में जोड़ने का वर्क करती है। लाइक अ सीमेंट प्रोडक्ट क्यूटिकल से कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स से होकर ही गुजरता है। ठीक है, ये मतलब पाइप का भी काम करती है, क्यूटिकल टू कॉर्टेक्स में कोई भी प्रोडक्ट जाना है तो इसमें से गुजर के ही जाएगा, मतलब कोई भी स्मूथनिंग क्रीम वगैरह है तो ये उसके बीच में से ही होकर जाएगा। 18 आपको मैंने बोला है, 18 MEA methyl-icosanoic, ये क्या इनका मेन जो वर्क है, ये हमारी जो क्यूटिकल की सरफेस है उसको हाइड्रोफोबिक बनाते हैं, मतलब कोई भी हम जो स्प्रे वगैरह कोई भी सीरम वगैरह हम यूज करते हैं तो हमारे पूरे हेयर में इजिली स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हेयर के सरफेस को हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ही जो हेयर स्प्रे सीरम एक्सेट्रा जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो हेयर के पूरे सरफेस पे स्प्रेड इजिली हो जाती है। ये सिर्फ इसके पीछे की जो ये लॉजिक है, हाइड्रोफोबिक जो हमारी हेयर क्यूटिकल है वो हाइड्रोफोबिक, उसकी जो आउटर मोस्ट वो 18 MEA की वजह से हाइड्रोफोबिक है, और उसकी वजह से वो ये हेयर स्प्रे वगैरह सीरम वगैरह ये पूरे हेयर में इजिली स्प्रेड हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, अगर आपके थोड़े बहुत भी ब्लाइंड स्पॉट क्लियर हुए हो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स के साथ भी, और जो न्यू कमर्स है वो उनके लिए ये काफी अच्छी वीडियो है, क्योंकि क्यूटिकल के बारे में जस्ट सिंपल एक्सप्लेन किया जाता है एकेडमीज में, तो मैंने आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है। क्यूटिकल के भी आगे लेयर्स होती है, ये किसी मोस्टली ज्यादातर एकेडमी में नहीं बताया जाता, तो मैंने तभी सोचा कि इस पे वीडियो बनाना जरूर चाहिए, तो मैंने आज का वीडियो इस टॉपिक पे बनाया है क्यूटिकल के ऊपर। और आप धीरे धीरे पूरे हेयर साइज को कवर करेंगे, सबसे पहले हम हेयर स्ट्रक्चर के हेयर शाफ्ट को प्रॉपर कवर करेंगे। तो फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट गाइस। ओके, टेक केयर, टिल देन बाय, स्टे फिट।